अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम सोशल मीडिया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक का अकाउंट जैसे ही हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट रीच ट्राई अगेन का एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आज की वीडियो में बताऊँगा कि इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी जो मोबाइल की सेटिंग है इसके अंदर जाने के बाद जहाँ पे ऐप्स का सेक्शन होता है आपने ऐप्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। ये प्रॉब्लम टिकटॉक के अंदर आ रही है तो आपने टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ से फाइंड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं टिकटॉक की एप्लीकेशन को मैं यहाँ से अब ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब सबसे पहले आपने टिकटॉक की जो स्टोरेज होती है इस पे आपने क्लिक करना है। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसको क्लियर डेटा कर देना है। यहाँ से मैं भी इसको क्लियर डेटा करूँगा। करने के बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने देख लेना है कि अगर आपकी टिकटॉक अप टू डेट होने वाली है तो अप टू डेट कर लेनी है। अगर नहीं अप टू डेट होने वाली तो जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा वो ट्रिक यूज़ कीजिएगा, वो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने टिकटॉक को चेक करता हूँ कि इसमें अप टू डेट होने वाली है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो टिकटॉक है अभी फ़िलहाल अप टू डेट होने वाली है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अप टू डेट होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम आता रहता है। अब मैं यहाँ से अपनी टिकटॉक को ओपन करता हूँ। अब आपने एक काम यहाँ पर करना है कि जब आपने टिकटॉक को ओपन करना है तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जो आपको ट्रिक बताना हूँ वही आप सेम यूज़ कीजिएगा तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉर्नर में अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़ फ़ोन नंबर ईमेल यूज़र नेम पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा है फ़ोन और सेकेंड में लिखा है ईमेल एंड यूज़र नेम। आपने ईमेल एंड यूज़र नेम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है जो आप लिख जो टिकटॉक के साथ अटैच है। लिखने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब आपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड नहीं याद तो आपने फॉरगेट पासवर्ड करना है। कोशिश कीजिएगा फॉरगेट पासवर्ड ही करिएगा, जो अगर पासवर्ड भी आपको याद है फिर भी आपने फॉरगेट पासवर्ड करना है। फॉरगेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा फ़ोन नंबर है या ईमेल, आपने फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने वही जो टिकटॉक के साथ अटैच नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। सेंड कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके जो है नंबर पे आ जाएगा, आपको कॉल आएगी या आपके नंबर पे आएगा तो आपने वो ओटीपी यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पर न्यू पासवर्ड इंटर करना है, जो भी आप रखना चाहते हैं नया पासवर्ड। मैं भी यहाँ पे नया पासवर्ड रख लेता हूँ। उसके बाद आपने लॉगिन करने की कोशिश अब करनी है। लॉगिन करके देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी आसानी से अब मेरा जो टिकटॉक का अकाउंट था जिसमें मैक्सिमम नंबर रीच का प्रॉब्लम आ रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है और मेरा टिकटॉक का अकाउंट जो है बड़ा आसानी तरीके से ओपन हो चुका है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।